हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी साइंस की क्लास का न्यू टॉपिक है पैरामीशियम। आज हम पैरामीशियम के बारे में बात करने वाले हैं और इसका डायग्राम जो आप सामने देख रहे हैं इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं प्रियंका शर्मा, सीनियर फैकल्टी ऑफ स्टेप एजुकेशन हब, और हमारे आज का जो टॉपिक है मैं उसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि पैरामीशियम जो होता है वो किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामीशियम में इसके टाइप के बारे में। पैरामीशियम एक यूनिसेल्यूलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके शेप की। अगर पैरामीशियम के शेप की बात की जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है स्लीपर टाइप स्ट्रक्चर होता है, यानी इसको हम हिंदी में कहें तो एक ये चप्पल के आकार का दिखने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और जो कि ऊपर से प्लेन दिखाई देता है और इसका दूसरा सिरा जो है नुकीला होता है। इसके बाद हम इसके साइज की अगर बात करें तो ये 0.3 mm तक हो सकता है, 0.3 mm तक लंबा हो सकता है। इसके बाद इसके कलर की बात की जाए तो ये हल्के भूरे रंग का या पीले रंग का इसका जो शरीर होता है या इसकी जो रंग होता है वो हल्के भूरे रंग का या पीले रंग का हो सकता है। अब बात करते हैं हम इसके पैरामीशियम के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की, या इसके एक्सटर्नल फीचर्स अगर हम देखें बॉडी पर तो ये स्ट्रक्चरली कैसा दिखाई देता है। तो इसकी बॉडी पर एक पेलिकल का आवरण होता है, और ये जो पेलिकल का आवरण होता है इस पर छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में सीलिया प्रेजेंट होते हैं, या छोटे छोटे धागे के समान सीलिया होते हैं, और इन्हीं सीलिया की हेल्प से ये चल फिर सकता है या गति करता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की। आप इंटरनल स्ट्रक्चर इसका डायग्राम में देख रहे होंगे कि इसमें कई सारी चीजें प्रेजेंट हैं, जो कि इसको लिक्विड पार्ट जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो इसके इंटरनली स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं इसके न्यूक्लियस की, और अगर इसके न्यूक्लियस की बात की जाए तो इसमें टू टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक तो मैक्रो न्यूक्लियस, जो कि आकार में बड़ा होता है, जो उपापचय क्रियाओं को करने में हेल्प करता है, और इसके बाद हम इसके अगर न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस जो आकार में छोटा होता है, और अगर उसकी बात की जाए तो ये जो माइक्रो न्यूक्लियस होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। इस तरीके से अमीबा में ये जो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं वो अपने अपने काम आराम से करते हैं। नेक्स्ट इसकी बात आती है हम इसके अगर वैक्यूल, नेक्स्ट इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दो स्टार शेप के वैक्यूल जो सेल्स में आपने देखा होगा खाली स्थान या एक फ्री स्पेस होता है साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं वो प्रेजेंट होता है। इसमें स्टार शेप में दो एंटीरियर वैक्यूल और प्रोस्टीरियर वैक्यूल से प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसों के आदान प्रदान में हेल्प करते हैं और एक्सक्रीशन सिस्टम में भी हेल्प करते हैं। इसके बाद बात आती है इसके वेस्टिब्यूल की। ये इसके शरीर में पैरामीशियम के शरीर पर एक खांच की जैसी संरचना पाई जाती है जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं, और ये भोजन को पचाने में मदद करता है। इस तरीके से हम आगे इसकी बात की जाए कि पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन प्रोसेस किस तरीके से होती है। अगर पैरामीशियम की रिप्रोडक्शन प्रोसेस को हम देखते हैं तो पैरामीशियम में टू टाइप्स का रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, या दो तरह का प्रजनन क्रिया संपूर्ण होती है। अगर हम इसकी बात करें पहले असेक्सुअली रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि जैसे अमीबा में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू एक से दो अमीबा सेल डिवीजन के थ्रू बनते थे, ऐसे ही पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू दो पैरामीशियम डेवलप होते हैं। सेल का डिवाइडेशन होता है, साइटोप्लाज्म बढ़ता है, और एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम का निर्माण हो जाता है। अगर इसकी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो उसका माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, तो इसमें क्या करते हैं कि दो पैरामीशियम आपस में जुड़ जाते हैं और उनके न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म भी उसका आपस में मिल जाता है। इस तरीके से पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कंप्लीट होती है, जो धीरे धीरे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें आगे फेजेस कंप्लीट करके पैरामीशियम डिवाइड होकर अपने जैसे यंग वंस क्रिएट करता है। आई होप आपको ये टॉपिक पैरामीशियम का पूरा समझ आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।